आ पहुंच गए आप खलसी लिशको ने मार दी आ देखो टक 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 ते पहला तो संगम का व्यू पॉइंट दिखाइए अब मोटरसाइकिल जाएगा ना जाएगा बस ठीक है यही सड़क है ऊपर से घूम जाना पुल आएगा आने कुछ पुराने मकान दिखने वालों को अच्छा भी लगेगा और अजीब सा भी लगेगा और कई भाषा ते बोली नाल प्यार सीखना तो इन्हां लोकां तो सीखो नेक्स्ट वीडियो इत्थों ही शुरू करांगा मैं ते टेंट लाने ते सेटअप दी ते रात दे खाने दी ते फिर सवेर दा सफर ते कल फिर जिन्ना सफर करांगे बज गए ने 8 एक बार दोबारा दिखा दिंदा 8 बजे ने बाहर दा सीन देखो आप आ गए अपने टेंट दे विच ठीक है खलारा आप पा लिया वा पूरा तो हम आप ने चौल भी बना ले आलू उलू पाए थे बिच खा पी के चुप करके सो जाना वा ट्रक ट्रुक चलते ने उत्ते शैड का फायदा अपन शैड मिल गया सी खाने तो उस तो बाद फिर अज के दिन इतें ही एंड कल सवेरे नवी शुरुआत नवा दिन हाँ जी गुड मॉर्निंग एक चीज है ना टेंट तो बाहर सवेरे उठते ना इदा का नज़ारा देखने को मिले दिन बन जाता तो हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग जी पहुँच गए आप खलसी ठीक है इतने चैक पोस्ट होंगी है तो आ चैक पोस्ट से एंट्री करवानी है सिंपल एंट्री करवा के तो निकल जाना आप अगे भाजी खलसी पहुँच गए खलसी चैक पोस्ट सी तो एंट्री कराई है उही सेम पहला वागू बेसिक एंट्री है लेह तक जाते अपन इदा एंट्रिया होनी ने भी नाम लिख दो कितों आए हो कितों जाना वो लिख दो बस इस तो ज़्यादा कुछ नहीं उस तो बाद आऊगा सस्पोल फिर आऊगा लिमो और फिर ले 97-96 हो गया होगा हूँ तो किलोमीटर आप अगे आ गए हैं तो इन्ना कराउंड पा कोई वधिया देखते ढाबा इतने एक मिल जाए तो शहर के बार बार टाउन जो बेचना हो जो पेट्रोल पंप मिले तो देखदा जो पानी भरन का जुगाड़ हो पानी भर लीए यार पीने वाला तो अगे जाके पता नहीं पानी का परेशानी हो रात में फिर आप कुकिंग शुकिंग भी करनी होती है तो पहला बार इतों अपन अलची आना 28 किलोमीटर अलची तो बाद संपोल आना वा तो पहला आप अलची चलते हैं तो यह सिंध ने अपना खड़ा नहीं छड़ना यह जाके छड़ूगा अपना लेह दे कोल संगम आता उत्थे जाके आले दुआले इन्ने सोहने सोहने माउंटेन इधर भी माउंटेन देखो छोटे वड्डे कल्ला ही चारा कलौता ते बिच कैंट जी सड़क दिल खुश करन वाली सड़क तो भाई जे दिल खुश हो गया तो चैनल मार दो सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक जरूर कर दो सामने पहाड़ खबे पहाड़ पिछे पहाड़ पहाड़ों पहाड़ी हुई पई है मतलब जमें पहाड़ पहाड़ तिने पे आखो तुम मैं ना जोश च आ जाने कई बार तो मज़ा देखो बबे तुम जी शिकौर पी ना सूरज की लग जा चमक दी है ना पहाड़ों सामने गिरते हुए ढाल जे वाले पहाड़
खराब ट्रक ये जो नज़ारे है ना कितने मिलते हैं। ब्रिज तो महंगा है ना, सोहना बड़ा लगता यार, जी छां जी पैंती है ना उत्ते दी लिशको ना जी मार दी। देखो टक 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 पिछे जेसीबी वाले ने अंदर में एकदम मोड़ती गड्डी कर देना ही अपना काम। उदा आपां ही स्पीड आदि कंट्रोल च सीगे तो मैं एकदम ब्रेक मार गया तो रुक गया। तो आ भाजी कैंप डिलाइट ओले तो एक तुम जूले वाली गल दसदा मैं जिमें अपने सत श्रीकाल उमें जूले आ तो जिते रात टेंट लगाया सी उहदे कोल सी नेपालियां दा घर। नेपालियां दे न्याणे वी कहड़ा देख के पता लगदा सी लद्दाखी आ कि नेपाली आ। वो मैंने आके कहते जूले, मैं क्या जूले वो जवाक तुम वीडियो भी देखी बड़ी खप पाई उन्होंने रात मेरे को बड़े शरारती तो खप्पी। अलची आप क्रॉस करता वा तो आप चल रहे अगली डेस्टिनेशन वाल। देखो थार आँदी नंबर हैगा जे के यार मलो मल्ली मोटरसाइकिल भाई दा मैं भजा नहीं इन्ना मेरी एक आदत आ। एक बाइकर आ रहा छड़ा नहीं छड़ा नहीं है मेरे वर्गा दो ने भी भाई मूहे वाला तो वधिया सी पिछे वाले ने नहीं कुछ रिएक्शन दिता संघू होना वा किछे तक गड्डिया जाए नजर आदि पेखो किछे तक मेरी उंगली इधर उधर हो सकती है क्योंकि कैमरा तो मूँह तो ही लगे वा हेलमेट के अगे पर मैं आपकी अख के हिसाब न दस रहा तुम तो यह जो पॉइंट व्यू हों राइडर के हैड का हों बी आर ओ वाले लगे हुए सड़क के किनारे तक साफ कर रहे हैं निके निके उत्तों रोड़े गिर रहे ना वह भी साफ कर रहे हैं। पता नहीं चा वाले कैसे चले गए एन ए सी इस रूट के पता तू पंजाबियों का चाला नशा टुटता पिया जे नज़ारे लैन आए नज़ारे ले ही आते चाहे फोन पर चाहे मोटरसाइकिल से। चाय मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा। लो जी साजो समान खोलिए पहला सारा चाह पीने फिर मिलते हैं। तो भाई देख लो यार आ मिट्टी वाले रेगिस्तान के कुदरत किड्डी अंता बेअंता। आ देखो ग्रीनरी ग्रीनरी इधर रेता ही रेता बुरा हाल आ। ठीक है आ मोड़ आया ये इन्नी ग्रीनरी आ और गाव गुव लगी हुई पूरे नज़ारे नाल खाना देखो थले और इन्ना सोहना लग्या। आ देखो इतने मिट्टी रेता ही रेता तो बिच पत्थर ही पत्थर और कुछ भी नहीं तो सिर्फ जो हरियावल सी उन्नी उन्नी जगह के पिछे वाली जगह च हरियावल सी। तो अगे वाला नज़ारा देखो है किसी सीनरी किसी पेंटर ने बैठ के सीनरी बनाई होंगी आ इधर तो लैके इधर तक सारी कुदरत दी कलाकारी है। बाकी इतने ना जो वधिया बड़े पिंड ने जिवें छोटे पिंड दी बड़े पिंड ने जो रोड तो हट के आने बड़े घेंट जे गेट बनाए हुए हैं बुद्धिज्म के हिसाब नाल तिब्बतन कल्चर का भी झलक आती है ना इतने तो उसके हिसाब नाल देखो आ लेडी चक्की जाती न्याणा तो साढ़े वाले इतने जीव निकल जानी सी वो गेट की गल करता सी अगर गेट देखने मिलेगा। और देखो गेट दिख रहा तुम सीन के छोटे छोटे चाह के ढाबे जे ने कितना प्यारा लग रहा एक्सेलेटर आ अपना तो गेयर हैगा दूजा तो त्रा निकली पी है त्रा मोटरसाइकिल की। तो वीरे हाला रिकॉर्ड करना तो बनता वा स्ट्रेट रोड वैली वैली फुल नज़ारा जे आया तो मारो सबसक्राइब वाले बटन के उत्ते हाथ निमो रह गया 15।
सामने उत्ते मोनेस्ट्री लगती है मैनू। देखो कितों वैली चली जाती है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, नीचे सारा ही ग्रीन है, पूरे लंबे लंबे वे वे दरख्त ने इदा दे जिदा दे आ लगे ने इदा के दरख्त ने। लिखा है विलेज अहैड। जंडा वा जंसकार वैली, इतों डारचा 258 किलोमीटर, मनाली 414, तो चंडीगढ़ 713, तो चिलिंग मेरे को पदम 155, ये रस्ता होकर जाता तो यह जाता ले। दोस्तों ये रस्ता चला गया थोड़ा जंसकार में, जंसकार जंसकार पदम वैली के नाम के नाल बहुत ज़्यादा फेमस आ। इधर शिंकला पास आता, काफ़ी टफ रस्ता वा, बहुत शानदार करने वाली जगह है भी। आप इन फ्यूचर करा भी, फिलहाल आप हाले तक ले ट्रिप के उत्ते, तो जे तुम हाले तक इतों वीडियो देखनी शुरू की इस ट्रिप की तो स्टार्टिंग देखियो, क्योंकि आप बिल्कुल हट के हाले तक शूट किया वा। आप कलिया सड़क नहीं देखिया तो दिखाइया, आप पिंडा के गए हैं, लोगों गलबात की, बिल्कुल लागे जी ने कुजीन भी चेक की। ठीक है, तो संगम तो मिलता मैं तुम्हें, तो संगम दिखाने पहला तुम्हें। जी पहुंच गए आप संगम ते, तो पहला तो तुम संगम का व्यू पॉइंट दिखाइए। जे आप नीचे दी आते चंसकार वैली वाला रोड, और रोड से चंसकार का, तो यह है संगम, आ रही है चंसकार रिवर। सर्दियों के चादर ट्रैक हों बड़ा फेमस आ, तो कोई हाइट नहीं होंगी, सिर्फ ये जम जाती है बर्फ नाल, तो ये तो ट्रैक किया जाता। मेरा यह ट्रैक किया हुआ वा, अगे वाटरफॉल पर जाता, यह ट्रैक मैं किया हुआ वा। इन फ्यूचर आप रिकॉर्ड भी करा दोबारा करा, तो आह रस्ता ए घूम के चला गया जो अपने नीचे संगम में देखना वा। तो आ गई इंडस सिंध रिवर, तो यह होगी चंसकार रिवर। तो होंगे कि अभी जोड़ा रिवर बड़ा हों उसका नाम अगे चलता, दोनों रल गई एको जी हो गई, पर अगे चल के नाम इंडस ही चलता क्योंकि इंडस रिवर बड़ा वा, तो आ कारण आएगा। तो इन कहने आप संगम पॉइंट, तो हूँ यह रस्ता जाऊगा मनाली में, इतने हो गया अपना मैगनेटिक हिल। पहुँच गए आप इतने, कई एक्टिविटी होंगी, एटीवी हो गई, ये एक्टिविटी होंगी आ। पॉइंट है, इस पॉइंट में कहते हैं मैगनेटिक पॉइंट। ठीक है, इतने लोग कारा आदि गड्डिया खड़िया करते हैं, कहें उत्ते जा, मैं तो जाए देखे नहीं अभी तक, बट कहें भी जा उत्ते पहाड़ खिंचते हैं। हिमाचल जो आ पहाड़ जला पहाड़, इन दो पहाड़ों थोड़ा जि अट्रैक्शन जरूर आ, बट पॉइंट बन गया हूँ। एक कैफे भी है, इतनी भी है सिंह कैफे, एक फोटो विद लद्दाखी ड्रैसेस, ये पॉइंट भी है, ये भी देख सकते हो। बाकी उस तरफ एटीवी राइड होंगी वाला पॉइंट देख रहे हो, उतो लैके जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पोलिंग पालिंग कर रखी है आपकी, उतों पूरी राइड करवाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आ बी रुकन लगे, नज़ारा वधिया वा, रुक के जाओ जो लद्दाख ले जा ही रहे हो, इन्हू भी देख के जाओ, सोना वा ये अपना चोटा खड़ा वा। तो ठीक है भाई जी, आ देखो हूँ आ गई गड्डी, आ देख लियो हम तुम कि चढ़ती उत्ते, गेयर पहले ही पाया होना पट्टे ने, आ लाती ब्रेक, हाँ देखियो सूत नहीं हिली पिछे नू जाती पई आ। ठीक है, ये गल ही ने बस, बाकी ए भी चलो आ रहे हो तो फोटो चार खिंच लो, फोटो खिंचने का घेंट है सामने, व्यू देखो पिछे व्यू देखो। ठीक है, बहुत सोहना फोटो वाला तो खिंच सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आप चलते हैं अगे गुरुद्वारा पत्थर साहब वालू। ठीक है, उत्थे दर्शन करवाने तुम्हें, बहुत इतिहासिक जगह वा, बाबे नानक के नाल संबंधित आ, उत जाके तुम हिस्टरी भी दसूँगा, सारा दसूँगा। जो बाबा जी उदासियां से बाबा नानक, देखो असं कहने लद्दाख आए हैं, और साडा तो प्यो आ गया लद्दाख है, गुरु नानक धन गुरु नानक, वह आ गया जी लद्दाख। तो सच्चा ट्रैवलर जो गल करिए, गुरु नानक तो व्डा कोई ट्रैवलर नहीं सी। ठीक है, जिन्हें सारी जिंदगी ट्रैवल किया,
उस तो वड्डा ट्रैवलर कोई नहीं सी। बाबे नानक का स्थान है, वह इतिहास हिस्टरी थोड़ा मैं उसे जाके दसूँगा, ठीक है। एक राक्षस रिलेटेड हिस्टरी है, उत्थे थोड़ा वो भी उस पूरी डिटेल च। गुरुद्वारा साहब के अंदर जेदा उन्होंने अलाउ किया आप रिकॉर्ड कर ली तो करा नहीं, अदरवाइज आप गुरु मर्यादा नहीं भंग करनी, बाहरों थोड़ा मैं दिखा दाँगा, ठीक है जी। तो चलते फिर वादे आप अगे नूं।